Assalamu alaikum and welcome back to our video lecture series of grade 12 mathematics Sindh board. Students, हमने chapter number 2 start लिया था जिसमें हमने 2.1 complete कर ली है पिछली last video तक. आज हम आगे exercise solve करने से पहले कुछ functions की types को discuss करेंगे. Students, यहाँ पे बहुत ही important video होने वाली है ये, ठीक है, for the purpose of acquiring concept regarding functions and its types. तो लास्ट भी देखिएगा इसको एंड तक, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं, बुक से ही स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ पे. स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास कुछ फंक्शंस गिवन हैं, ठीक है, उनकी टाइप्स गिवन हैं, जो हो सकता है कि आप में से किसी ने पहले पढ़ चुके हों, ठीक है. लेकिन बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे ऐसे होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम आई गेस जो है इनफैक्ट सुने भी होंगे, ठीक है. तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, एलजेब्रिक फंक्शंस भी उनकी एक टाइप है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड पैरामीट्रिक फंक्शंस. ये चार तरह के फंक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जिसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करके अगर बता दूँ तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है. ट्रांसेंडेंटल और एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शन को भी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के जिस तरीके से हम इस बुक को कवर अप करेंगे तो हमें ये दो फंक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन की तरफ हम आएंगे तो हमें ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के एंड तक आप इंटैक्ट रहें, फोकस्ड रहें, सही है. तो भाई स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, एलजेब्रिक फंक्शंस हमारे पास किस तरह के फंक्शन होते हैं. एलजेब्रिक फंक्शन जो हमारे जो अभी तक हम यूज़ करते हुए आए थे, है ना, हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया जाता था, कुछ इस तरीके से लिखा होता था कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये मेरे पास एक क्या है, एक एलजेब्रिक फंक्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया जा रहा है वो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई भी साइन फंक्शन नहीं आ रहा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आ रहा, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन भी मौजूद नहीं है. तो इसे मैं सिंपली क्या कहूँगा कि ये मेरा एक एलजेब्रिक फंक्शन है. इसको सिंपल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, एक एलजेब्रिक फंक्शन ही कहलाएगा, और इसको हम बेसिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है. आगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की भी टाइप आगे आएगी तो उसे डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया. कुछ आपके पास यहाँ पे एग्जांपल मजीद दी हुई हैं, ठीक है, उन्हें अगर हम देखें, उसकी डेफिनेशन को हम रीड करें तो एलजेब्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. याद रखिएगा, इसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दैट कंटेन ओनली एलजेब्रिक ऑपरेशंस, सही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रिक ऑपरेशंस शामिल होंगे, एलजेब्रिक वेरिएबल्स शामिल होंगे, कोई साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल दे दी पी ऑफ एक्स, है ना, जिस तरह मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कह रहा था, यहाँ पे इन्होंने पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया इस फंक्शन को, ठीक. और यहाँ इन्होंने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक. फिर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हमने रैशनल फंक्शन के तौर पे कंसीडर किया है, ठीक है, ये एक रैशनल फंक्शन की टाइप है क्योंकि इसका न्यूमिरेटर भी एक क्या है, पॉलिनोमियल, और डिनोमिनेटर भी इसका पॉलिनोमियल है. फिर हम अगर आर ऑफ एक्स की बात करें तो ये भी एलजेब्रिक फंक्शन है लेकिन ये इरेशनल है, सही, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना, अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ रहा है तो ये नॉन पॉलिनोमियल है, विच मीन्स इट विल बी इरेशनल फंक्शन. तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो आपने ग्रेड 9 या ग्रेड 10 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली पढ़ी होंगी, सही. फिर हम फर्दर मूव करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो कि इस वीडियो का मेन फोकस पॉइंट है, विच इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस. स्टूडेंट्स, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कोई एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फंक्शन जो है वो छुपे हुए हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल हमारे पास एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन ट्रांसेंडेंटल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर हाइपरबॉलिक फंक्शन है, ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, आई विल गारंटी इट, ठीक है, अगर आप जो है फर्स्ट टाइम सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं तो सही है, अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, या फिर इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करें,
ठीक है, पहले पढ़ चुका है तो उसने हाइपरबोलिक फंक्शन सुन रखा होगा। अदरवाइज जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस आने वाली है उसने हाइपरबोलिक फंक्शन को फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है वो सुना होगा। फर्दर हम बढ़ते हैं आगे इन्वर्स फंक्शन की तरफ। इन्वर्स फंक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, तो कोशिश कीजिएगा उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ग्रैप करें। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। इनको लिखते किस तरीके से हैं इसे ज़रा हम देखें, इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रही है। स्टूडेंट्स सबसे पहली टाइप हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स वेर ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि ए जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और ए 1 के बराबर ना हो। सही है, क्योंकि अगर 1 के बराबर हुआ तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, है ना। 1 की पावर आप कुछ भी रख दें तो वो 1 के ही बराबर आती है। अदर देन अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा हो, खैर आगे की बात है, ये लिमिट वगैरह में हम आ गए, आगे लिमिट्स आएंगी तो उसमें इस चीज़ को भी मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्कस करेंगे कि अगर 1 की पावर इन्फिनिट आ गई तो हम इसको क्या 1 के बराबर ही सपोज करेंगे। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, बेसिकली 7 इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा, तो फिलहाल उसको थोड़ी देर के लिए हम जो है बराबर में रख देते हैं और दोबारा आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नोटेशन है, ए रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स टू द बेस ए। यहाँ जो ए है ये इसकी बेस कहलाएगी और एक एक्स जो है वो इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, आप 3 ले सकते हैं। अच्छा, ए की जगह हम 1/2 ले ले सकते हैं, है ना। इस कंडीशन को ट्रू करना चाहिए, ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करे, पॉजिटिव रियल नंबर से, और जो है वो 1 के बराबर कतई ना हो। सही है भाई, बाकी जो पावर है वो तो कुछ भी हो सकती है। पावर आप नेगेटिव रख दें, पावर में आप 2x लिख दें, 3x लिख दें, x अपॉन 2 लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया यहाँ तक। जैसे यहाँ पे 1/√5 आ रहा है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 पावर 1/2 और साथ में x, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर x/2। सही है, आगे इनके ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, द फंक्शन ई रेस टू द पावर एक्स इज कॉल्ड द नेचुरल एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारे पास ए की जगह जो ए हमारी बेस है, अगर उसे हम रिप्लेस करते हैं ई से, या हमें ई ऑयलर नंबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अगर इसकी नोटेशन के तो कोई फंक्शन दिया जाता है तो वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और इस ऑयलर नंबर की जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को लाजमी नोट कीजिएगा अपने पास, विच इज इक्वल टू 2.71828 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिकरिंग होती है। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। सही हो गया, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो गई। स्टूडेंट्स अब लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सेस हैं। ठीक है ना, ये इंटरचेंजेबल फंक्शंस हैं। अगर आप लोगों ने ग्रेड 9 मैथमेटिक्स पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने लाजमी इनकी कन्वर्जेंस देखी होंगी कि भाई अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए रेज टू द पावर बी या ए रेज टू द पावर सी, इसको कर दें इज इक्वल्स टू बी, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ए बी इज इक्वल्स टू सी। ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। सही है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो इफ वाई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स वेर ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। सर ये तो हमें डेफिनेशन ऊपर भी मिली, तो भाई मैंने यही कहा ना कि ये दोनों इंटरचेंजेबल फंक्शंस हैं, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन रिपीट कर रही है। आगे जाके जो है हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डिफाइन किया कि देन जो लॉग ए ऑफ वाई होगा वो बराबर होगा एक्स के। बिल्कुल सेम हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, है ना, वाई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स, वाई एज इट इज हमारे पास बी की जगह लिखा हुआ है, एक्स जो है वो सी की जगह मौजूद है, तो लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। इसे हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं ऑफ वाई टू द बेस ए, है ना, इस फंक्शन की जो बेस होगी वो ए होगी। सही है,
अब कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स है, उसको नोट लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट आपके यहाँ पॉइंट ये आ रहा है कि अगर हमारे पास बेस 10 मौजूद है, सही है ना, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसकी बेस 10 है, तो ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है, या कॉमन लॉग भी आप इसको कह सकते हो। सेकेंड, अगर हमारे पास यहाँ पे जो बेस है वो ई दे दी जाए, ऑयलर नंबर दे दिया जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, सही है, तो ऐसे केस के अंदर हम उसको नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह हम लिख रहे हैं ना, लॉग ई एक्स, है ना, तो इसको हम एल एन एक्स भी कह सकते हैं। एल एन का मतलब क्या है, हमारे पास नेचुरल लॉग है, सही है। नंबर थ्री हमारे पास क्या है, द लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो मैंने अभी यहाँ पे बात की थी, इन्होंने इसी को नोट में कोट कर दिया है, सही है। फोर्थ हमारे पास पॉइंट यहाँ क्या मौजूद है, द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट्स रेंज इज रियल नंबर, मतलब इसकी डोमेन जो है, यानी कि जो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स की जगह जो आप वैल्यूज पुट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर से ही बिलोंग करनी चाहिए, आप इसमें नेगेटिव एक्स नहीं रख सकते, सही है। अगर आपको याद हो ग्रेड 9 के अंदर जब आप लॉगरिथमिक्स लॉगरिथम पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग नहीं निकालते थे, सही है। फिर यहाँ पर रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज इसकी जो हो सकती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों हो सकती है, लेकिन इसका जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको कहीं पे आप टैटू वेटू करवा के रख लीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है हमारे, ठीक है। नंबर फाइव हमारे पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि ए रेस टू द पावर वाई जो है वो इसके बराबर होगा, इसकी ज़रा हम नोटेशन देखें, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए रेस टू द पावर वाई, सपोज करें हम यहाँ पे एल एन अगर अप्लाई करें, तो एल एन अप्लाई करने से जो पावर है ये शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे, है ना, वाई एल एन ए, सही है। फिर अगर यहाँ अगर आप ऑयलर नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें, सही, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल होगा ए रेस टू द पावर वाई के। ये किस तरीके से हो रहा है इसको ज़रा हम देखें, तो ई भाई वाई अगर मैं दोबारा शिफ्ट कर दूं, एल एन ए पावर वाई, तो याद रखिएगा एल एन एंड ई दे बोथ कैन बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ हमारे पास सिर्फ ए रेस टू द पावर वाई बचेगा जो बेस में डायरेक्टली लिखा जाएगा, सही है, एक्सपोनेंट से वो हट जाएगा और बेस में हम उसको इस तरीके से मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। इसकी बात करें, ठीक है, जो सिक्स इसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे कह रहा है लॉग बेस ए ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रू है इसको हम जरा आगे यहाँ पे देखा जाए, तो ये कुछ इस तरीके से सपोज कर लें कि भाई लॉग बेस ए ऑफ ए इज इक्वल्स टू सम वैल्यू एक्स, ठीक है, और हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू को जो है वो गेट करना है, तो किस तरीके से स्टूडेंट्स गेट किया जाएगा यहाँ, तो इसे हम अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए, है ना, ये जो ए है हमारे पास ये बेस में चला गया, और ये जो हमारे पास है फंक्शन का ए, ये हमारे पास इक्वल्स टू के बाद शिफ्ट हो जाएगा, सही। अब ये कह रहे हैं कि ए की पावर एक्स वो एग्जैक्टली इक्वल है ए के, मतलब यहाँ जो ए हमारे पास है इसके पास कोई पावर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास पावर क्या होगी, वन। तो आप देख सकते हैं बाय कंपैरिजन यहाँ हमारे पास जो एक्स है वो बाय डिफॉल्ट वन के बराबर आ रहा है, सही। तो यहाँ हम एक्स को हटा के वन लिख सकते हैं, है ना, तो ये हमारे पास जो सिक्स प्रॉपर्टी है ये ट्रू हो रही है, और सिक्स का यहाँ पे एक्सटेंशन इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने इसे सेवन्थ प्रॉपर्टी नहीं कहा, इन्होंने कहा कि भाई लॉग बेस ए ऑफ वन इज इक्वल्स टू जीरो, सही। तो यहाँ पे हम इसको देखें तो लॉग बेस ए ऑफ वन इज इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पे मैं एक्स रख देता हूँ, सही है। तो भाई यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू वन, सही है। अब यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, मुझे बेसिस को सेम बनाना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे बेसिस तो सेम ऑलरेडी थी, यहाँ सेम नहीं है, तो यहाँ पे मैं अगर बेसिस को सेम बनाऊँ तो ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू ये वन है, क्या मैं इस वन को ए की पावर जीरो लिख सकता हूँ, है ना, किसी भी नंबर की पावर जीरो अगर हो तो वो वन के बराबर होती है, तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया, और बाय कंपेयरिंग मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो है वो मेरा जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी अगर हम इसको भी सेवन प्रॉपर्टी कहते हैं, तो यहाँ टोटल हमारे पास सेवन प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम के हवाले से, तो वो यहाँ पे हमने कवर अप की हैं। फर्दर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सही है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं, सही है।
तो उन्हें आई डोंट थिंक सो कि मुझे उन्हें डिस्कस करने की नीड है. सही है, साइन एक्स, कॉसाइन एक्स, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स. सही है, छह फंक्शंस हैं हमारे पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक. फिर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है. ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे. पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को मैं यहाँ से रब कर दूँ. सही है, ये हमारे पास से रब हो जाए ताकि मुझे कुछ स्पेस मिल जाए. सही है ना, थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं इसको स्पीड अप कर दूँगा, डजेंट मैटर. अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स. स्टूडेंट्स, एक बात अपने माइंड में आप सारे बिठा लें, कहीं पे टैटू वैटू करवा के रख लें या फिर कहीं गांठ वगैरह बांध के रख लें कि जो साइन इनवर्स एक्स है ना. सही है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये कहते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स जो है वो एग्जैक्टली बराबर होता है 1/sin x के, जो कि सरासर गलत चीज़ है. सही है, साइन इनवर्स एक्स एक्स एक टोटली डिफरेंट चीज़ है और 1/sin x एक टोटली डिफरेंट चीज़ है. हम 1/sin x को किसके बराबर रखते हैं, कोसेकेंट एक्स के बराबर सपोज करते हैं. सही है, और होता भी ये इसी के बराबर है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स एक टोटली डिफरेंट चीज़ है. ये इनवर्स फंक्शंस हैं. सही है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने जो किए थे, ठीक है, फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, तो वहाँ हमने इनवर्स फंक्शंस देखे थे, है ना. तो इनवर्स फंक्शन से हमें ये बात मालूम है कि ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है. यहाँ पे रेंज डिफरेंट होगी, यहाँ डोमेन डिफरेंट हो जाएगी. सही है यहाँ तक. फिर फर्दर कॉस इनवर्स की बात करें तो ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ है कि भाई कॉस इनवर्स एक्स को आप नहीं कह सकते कि ये बराबर है 1/cos x के. टेन इनवर्स एक्स ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है 1/tan inverse x के. बिल्कुल सिमिलरली बाकी जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे गिवन है. सही, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने पास बिठा ले कहीं पे. सही है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बिल्कुल न्यू कैटेगरी का फंक्शन होगा, ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन. तो इस हाइपरबॉलिक फंक्शन को अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई हाइपरबॉलिक हमारे पास क्या होते हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शन आर डिफाइंड इन अ वे सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही तरह होते हैं. जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन एक्स होता है, वैसे ही हमारे पास हाइपरबॉलिक में साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है. ठीक है, तो वहाँ हम साइन एक्स लिखते थे, यहाँ हम साइन एच एक्स लिखेंगे. सही है, और इसको रीड कैसे करेंगे, साइन हाइपरबॉलिक एक्स. और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये बराबर है ई की पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 के. ठीक है, और फर्दर यहाँ पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें इन दोनों फंक्शंस की, तो इसकी डोमेन और रेंज हमारे पास दोनों रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है, रियल नंबर लाइंस. फिर हमारे पास है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स. स्टूडेंट्स, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की अगर डोमेन की बात करें तो वो तो रियल नंबर होती है, लेकिन इसकी जो रेंज है स्टूडेंट्स, रेंज पे हमारे पास एक्सेप्शन है. यहाँ पे गिवन है, मैं इन सेट बिल्डर फॉर्म में से रीड करके बता रहा हूँ. ये हमारे पास है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल वाई ग्रेटर देन 1 या एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. मतलब यहाँ पे जो रेंज होगी या जो हमें ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये हमेशा हमें 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करेगा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता. सही है, इसका मतलब ये है, आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा, ना ही ये 1 से छोटी वैल्यू को आपको देगा. सही है, या तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी या 1 से ग्रेटर जाएगी. ठीक हो गया. फिर हमारे पास है टेन हाइपरबॉलिक एक्स का फंक्शन. सही है, ये डिफाइन होता है साइन हाइपरबॉलिक एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबॉलिक एक्स. स्टूडेंट, इसकी डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन अगर इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान है, इंक्लूसिव ऑफ -1 और +1. मतलब -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इनके दरमियान भी हो सकती है. -1 से छोटी नहीं होगी इसकी वैल्यू, और 1 से ग्रेटर नहीं होगी. ठीक है, ये पॉइंट लाजमी याद रखिएगा. फिर हमारे पास है सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स. स्टूडेंट्स, ये सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होता है 1/cos hyperbolic x के. इसकी डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर होती है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन 1 के बराबर भी
हो सकती है, जीरो के बराबर नहीं हो सकती। कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जीरो इज ओनली लेस देन वाई, जीरो इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, जीरो वाई के बराबर नहीं आ सकता, और वाई जो है वो वन से लेस भी हो सकता है और उसके ग्रेटर भी हो सकता है। फिर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो भाई हमारे पास फिफ्थ है यहाँ पे कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इसमें जो हमारी डोमेन है और जो इसकी रेंज है, सही है ना, इसकी डोमेन और रेंज दोनों यहाँ पे वाई से ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो डोमेन है ठीक है वो भी सिमिलर ऐसे ही होती है, लेकिन वहाँ पे हम कहते हैं कि एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सही है, मतलब एक्स और वाई ये दोनों ही बल्कि ज़ीरो नहीं हो सकते, ना तो इसकी डोमेन ज़ीरो के बराबर हो सकती है ना ही इसकी रेंज ज़ीरो के बराबर हो सकती है। सही है, फिर इसके आगे का हमारा लास्ट फंक्शन है कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स। सही है, इस फंक्शन के बारे में हमसे कह रहे हैं कि भाई इसकी जो डोमेन है वो तो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, लेकिन जो रेंज है स्टूडेंट्स, सही है, इसकी रेंज के बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी रेंज माइनस वन से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, और वन से ग्रेटर हो सकती है। सही है, या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, मतलब माइनस वन और वन इनके दरमियान नहीं आ सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, 0.5 नहीं हो सकता, -0.5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी इसकी यहाँ पे कंसिडरेशन हमारे पास इसकी वैल्यूज है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं इनवर्स हाइपरबॉलिक एक्स फंक्शंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इनवर्स जो हाइपरबॉलिक फंक्शन है उसके बारे में मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अगर हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं होगा वन ओवर साइन हाइपरबॉलिक एक्स के। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों में फ़र्क है। ये चीज़ जो होती है ना, ये बराबर होती है कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स के। सही, तो ये फ़र्क लाजमी याद रखिएगा। और फर्दर इसकी जो डोमेन और रेंज यहाँ पे दोनों मौजूद हैं, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स है तो इसकी जो डोमेन है वो तो वन से ग्रेटर होगी, लेकिन इसकी जो रेंज है वो ज़ीरो के बराबर भी हो सकती है और ज़ीरो से ग्रेटर भी हो सकती है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए, तो इन फॉर्मूलाज को भी आपने देखना है और याद करने की कोशिश करनी है। कुछ फॉर्मूला सिमिलर ही है, ठीक है, तो इतना टफ टाइम ये आपको नहीं देंगे, आई होप सो। फर्दर हमारे पास y इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स x। सही है, तो यहाँ पे भी ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन माइनस वन और वन के दरमियान है, और जो इसकी रेंज है वो रियल नंबर पे बेस कर रही है। ठीक है, सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स फंक्शन जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डोमेन ज़ीरो और वन के दरमियान है, वन जो है वो इनहेरिट कर सकता है, इंक्लूसिव है। रेंज की बात करें तो रेंज सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो से ग्रेटर और बराबर हो सकती है, सही, उससे छोटी नहीं हो सकती। फिर कॉसेक हाइपरबॉलिक इनवर्स फंक्शन, ये जो हमारे पास है ये इसकी रेंज और इसकी डोमेन दोनों की यहाँ पर बात करें बेसिकली ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स, इसकी डोमेन वन के बराबर नहीं होगी और इसकी जो रेंज है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। सही हो गया। सिंस फर्दर हमने ग्रेड 11 में, ग्रेड 10 में कुछ फार्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, है ना, रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है, तो अब उन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, हम हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आप सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा अपने पास। सही है, जैसे हमसे कहा जाता है कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखने की बजाय है, वैसे तो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि जब इसके हाइपरबॉलिक आइडेंटिटी देखते हैं ना, तो साइन हाइपरबॉलिक का स्क्वायर नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो यही सेम सिमिलर आइडेंटिटी है, बस फर्क किस चीज़ का आ जाता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर से पहले माइनस हम लगा देंगे, बाकी चीज़ें सारी हमारी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, सिमिलरली इंटैक्ट रहेंगी। फर्दर बात करें भाई यहाँ पे नंबर टू सेकंड वाले की, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो भाई टेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, याद रखें टेन का जो फॉर्मूला है वो है साइन अपॉन कॉस। मतलब टेन के फॉर्मूला के अंदर भी कौन सा फैक्टर आ रहा है, साइन का फैक्टर मौजूद है। मतलब जब मैं टेन हाइपरबॉलिक की बात करूँगा तो उसमें साइन हाइपरबॉलिक शामिल होगा, इसीलिए जब यहाँ प्लस था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, वही यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा जब हम हाइपरबॉलिक की बात करेंगे।
इस एक कॉन्सेप्ट को अगर आपने ग्रैस्प कर लिया तो ये आपके लिए याद रख पाना मुश्किल नहीं है। क्यू माइनस आ रहा है भाई, इस वजह से क्योंकि टेन के फॉर्मूले में जो है हमारे पास साइन यूज होता है, इस वजह से। फर्दर बात करें तो वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सही है। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास माइनस दोनों में, दोनों के साथ अप्लाई होगा, इसके भी साथ और इसके भी साथ, सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली ये हमारे पास होना चाहिए था वन माइनस कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, सही है। यहाँ पे जब आप माइनस की साइन को कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहाँ इक्वल्स टू के बाद माइनस कॉसिकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस को कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, सही है। चीज़ वही की हमने, ये साइन वाले जो फैक्टर हमने याद किया था उसी की वजह से हमने माइनस लगा दी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन गया, ये आइडेंटिटी प्रूफ होके आ गई। फिर नंबर फोर की बात करें तो भाई साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स, सही है। तो ये हमारे पास बराबर है साइन हाइपरबॉलिक टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस हाइपरबॉलिक एक्स के। सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आई, हाँ भाई यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आ रही, इसका अगर कोई जवाब देना चाहे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, सही है भाई, दोनों के साथ आ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नंबर फाइव हमारे पास है कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो आई गेस ये सारी आइडेंटिटीज़ अगर आप लोग रीड कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होंगी। इनके जो प्रूफ हैं सही, वो बिल्कुल सिमिलर हैं जो हमने ग्रेड 11 के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इनके प्रूफ की एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंदी हो चुकी है कि मुझे अभी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन, इनकी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना। कंबाइन अगर इसी वीडियो के अंदर उन चीज़ों को भी ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम फर्दर फंक्शंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड भी एक वीडियो लाजमी आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। तो बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।